हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं, पहले मेरे को देखना था मैं कैसे लग रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं पंचमुखी वीडियो शूट करने के लिए। तो हम लोग का प्लान बना था करीबन 12 बजे जाने का, क्योंकि उस टाइम पे धूप अच्छा रहता है ना। तो इलू 12 बजे से आते आते, अभी टाइम क्या हो रहा है गाइस, मेरी कोई गलती नहीं है, बहुत ज़रूरी काम में फंस गई थी इसीलिए नहीं आ पाई। तो अभी टाइम हो रहा है 5:05। तो सोच सकते हैं 5 घंटे का डिफरेंस, इतने देर में तो इंसान का मूवी भी ख़त्म हो जाता है 3 घंटे में। तो अब देख लीजिए, अब देखते हैं हम लोग का वीडियो बन पाता है कि नहीं। तो तब तक के लिए चलते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं आप लोग को इलू को दिखाती हूँ, ये देखो वो लहराते हुए जा रही है। ए इलू, नहाई है? इलू सीधा रास्ता इधर जाना। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि वो लहराने में इतना बिजी थी कि उसको रास्ता भी याद नहीं है। बहन इलू धूप चला गया, देख ले पागल। हम लोग सनसेट में बनाएंगे ना, चल। मेरी गलती है तो मैं क्यों बोलूँगी। किसी को पता है ये किस चीज़ का पेड़ है? फल। ये देखिए नीचे जैसा दिख रहा है। तो आप लोग लोकेशन देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। पर अफसोस है कि हम लोग वीडियो नहीं बना सकते सिर्फ इस ईलू की वजह से, क्योंकि ये लेट भी कर दिया आने में और अभी इसको अर्जेंटली कहीं जाना है, तो हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए और हम लोग घर के लिए रिटर्न हो गए। बट जल्दी जल्दी हम लोग एक दो क्लिप तो ले लिए रहे, यानी कि एक दो वीडियो बना लिए थे और कुछ फ़ोटोज़ भी ले लिए। उतने अच्छे नहीं आए बट काम चलाओ तो आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पर प्लान किए कि दोबारा ज़रूर आएंगे। तो ये अपडेट आप लोग को जल्दी मिलेगा, जल्द से जल्द। सो तब तक के लिए घर चलते हैं। बाय भैया। उधर क्या कर रहे हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? इलू देख। द नेक्स्ट डे। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दिब्बू का फोटो शूट करने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं वो आप देखते जाइए, आप लोग को पता चल जाएगा। पहले तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं इलू के घर पे, इलू को उठाने के लिए, उसको उसके घर से उठाने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस कि हम लोग इलू के घर पहुँच चुके हैं और इलू का वेट कर रहे हैं कि वो आएगी, बट वो नहीं आ रही। तो हम लोग को अंदर से उसको उठाने के लिए जाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग इलू को खोजते हुए, इलू 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 लाइट में दबते हुए, मैं और इलू। इलू को दबते हुए और ये हुस्न परी मंदिर होगी बस। हाँ दिख गया वो ऊपर में। अच्छा। हाँ बो रही। मेरे को मुंडी है, नहीं दिख रहा। क्या हॉर्लिक्स दिखता है? हॉर्नेस। तो गाइस ये दिब्बू हॉटनेस भी बोलने नहीं जान रही, क्या हॉर्नेस बोल रही है। तो गाइस आप इसको पूरा इग्नोर करो और फोकस मुझ पर करो। क्या मैं प्लीज प्लीज अपना चेहरा दिखाइए। ओह माय गॉड, मुंह दिखाई दो। प्लीज करो गाइस, मुझे शर्म आ रही है। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि दिब्बू का फेस का मसाज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है पर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। देख के तो मेरे को मेकअप से ज्यादा तो मेरे को इसके मसाज पे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे भी कराना है ऐसा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूजा दीदी, मुस्कान और ये इलू तीनों के तीनों कूलर छेक के बैठ चुके हैं, जिसके वजह से दिब्बू का मेकअप बहता जा रहा है, जिसके वजह से रेशमी दीदी को हवा देना पड़ रहा है, देख सकते हैं सुखाना पड़ रहा है, मतलब कि ड्राई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पास मैं इसका दिब्बू का लहंगा नहीं बोलेंगे, इसको पोशाक बोलेंगे, राजस्थानी पोशाक, जो कि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। गाइस ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना है, तो इसको मैं पहन के थोड़ा सा देख रही थी कि कैसा लग रहा है। सो
सो गाइस मेरे लिए तालियां तालियां। और अगर तू ये क्लिप नहीं डाली ना नैना तेरा मुंह तोड़ूंगी मैं। तो गाइस आप लोग सुने ना इलू कैसे ये वाला क्लिप डलवाई है मुझसे। गाइस वैसे तो शादी इसके होने वाली लेकिन लहंगा मैं पहनूंगी। ओ दिन शगना क्या मैं अपना मुंह दिखाऊं? आप लोग तैयार है मेरा मुंह देखने के लिए? ठीक है दिखाती हूं। छी ओह माय गॉड इतनी गंदी चीज भी हो सकती है तुम्हें। ओह माय गॉड रिंग लाइट की गर्मी से बेहोश हो गई है। हो गया ना बंद हुआ ना? हाँ हो गया। तो गाइस यहाँ पर दिब्बू के फेस में पुट्टी लगना स्टार्ट हो गया है, मेरा मतलब कि फाउंडेशन लगना स्टार्ट हो गया, जिससे दिब्बू के फेस में जितने भी गड्ढे हैं वो पूरी की पूरी तरह प्लास्टर हो जाए। मतलब कि जैसे रोड में गड्ढे भरते हैं ना, वैसे ही उसके चेहरे के गड्ढे हम लोग भर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके चेहरे से पूरे के पूरे गड्ढे गायब हो रहे हैं, बस एक ही गड्ढा रह जाता है, वो जो शंकर जी का तीसरा आँख रहता है ना, वैसे दिब्बू के फेस में भी उसके माथे में एक तीसरा आँख है जो कि बहुत कम लोग को दिखाई नहीं सबको दिखाई देता है। इससे पहले क्या लगाए थे? ओके तो आप लोग दिब्बू को तो देखते ही रहोगे, तो तब तक के लिए आप लोग मुझे देख लो, क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? आई थिंक लग रही हूँ। ये देखो गाइस मैं बिना मेकअप के हूँ। वेल देन अब इसके बाद दिब्बू के फेस पे लूज पाउडर लगाया जा रहा है। लूज पाउडर तो ये भारी पाउडर क्या होता है कोई नहीं। देन इसके बाद इसका हो रहा है अब आई मेकअप। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका एक आंख और दूसरी आंख, थकान आंखों आंखों का खेल करने में दीदी को तो बहुत ही थकान। दिब्बू सोते नहीं गई? नहीं सोई है, देखो हिल रहा है मुंह। तो दीदी दिब्बू का आई मेकअप कर रही हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही पेशेंस के साथ। चुप हो जाती हैं। अब आप इसका मेकअप देखिए। डर रहा है इसका मुंह देख के। मुंह बंद कर पहले। बस दिब्बू स्माइल नहीं कर रही थी और दीदी को ब्लश लगाना रहा, तो ये मैं थोड़ा सा उसका हंसवाने के लिए ऐसा की। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसा मैं करती हूँ। यहाँ पास इसका लगभग मेकअप कंप्लीट होता है। ये ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं है, ये थोड़ा न्यूट मेकअप है। गाइस इसको इग्नोर करो आप और उसके मेकअप पे ध्यान दो। तो गाइस इसको भी इग्नोर करो गाइस आप लोग। अब देखो जादू, यहाँ पे इसका मेकअप कंप्लीट होता है। तो यहाँ पास हम लोग दिब्बू का फोटोशूट और वीडियो शूट करने के लिए बाहर पे आ चुके हैं, जो कि दिब्बू बहुत ही अच्छी लग रही है। तो गाइस इसे लहंगा नहीं बोलते हैं, ये है राजस्थानी लुक, मतलब कि वहाँ का पोशाक। तो बाहर पे अंधेरा हो जाता है उसके वजह से, अब हम लोग अंदर पे आ जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए और फोटोशूट कराने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं भूल भुलैया की जो वो रहती है ना, आमी जेतुना छन 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 सुगु जेतुना, देन सब कोई शर्माते हुए नीचे आ गए। और अब इसका हो रहा है अंदर में फोटोशूट। तो आप लोग देख सकते हैं क्यूट सी नहीं बहुत सुंदर सी लड़की, ये देखो शर्माती हुई लड़की। अब घूम रही एक बार
गाइस ये लड़की का तोरा नहीं पूज रहा है बेचारी दीदी लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ये देखो गाइस तो मैं आप लोग को ये बताने वाली थी कि दिब्बू ये शादी के लिए तैयार हुई थी, पर दिब्बू का पति गुटखा खाता था इसीलिए वो ये देखो भागती हुई दुल्हन क्योंकि उसका पति गुटखा खाता है। तो आप लोग देख सकते हो ना कैसे ये स्कूटी लेके भाग रही है। गाइस ये सब आप किसी को बताइएगा मत, ये सीक्रेट है। गाइस मैं मजाक कर रही हूँ, इसका अभी भी मन नहीं भर रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सुरभि पार्क फोटो क्लिक कराने के लिए। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं अब वहाँ पे भी कितना टाइम लगता है हम लोग को फोटो इसका क्लिक करने में। तो लेट्स गो गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रीटच ले रही है और हम लोग पहुँच चुके हैं सुरभि पार्क, सुरभि पार्क। और यहाँ पे भी इसका होगा फोटो शूट। देन अब हम लोग आ चुके हैं ईलू के घर, ईलू को फेंकने। गरीब आदमी के तो गाइस सब लोग देख सकते हैं कैसे खाए पड़ी है, मौके का फायदा उठा रही है और खाते जा रही है। बहुत अच्छा टायर। तो अगले दिन अब हम लोग जा रहे हैं अपने खुद के शूट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्ट्रगल, ये बहुत ही रहस्यमयी जगह है जो कि कोई नहीं देखा हुआ है। तो मैं चलती हुई पटरी में पीछाओ, अरे मेरी कुकुरिया आ रही है, पटरी में चलती हुई मैं। फिर ये देख सकते हो हम लोग का वेलकम के लिए कितने सारे जीप खड़े हुए हैं यहाँ पास, भैंसी लोग इसे ब्लैक थार भी कहते हैं। देन हम लोग यहाँ पास अपना वीडियो बनाए, जो कि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, मतलब कि ये जगह कोई भी नहीं देखा होगा मनगढ़ में, ये बहुत ही कम लोग देखे हैं। ये बहुत रहस्यमयी जगह है, खुफिया जगह है जो कि हम लोगों ने खोजा है। तो यहाँ पे होता है हम लोग का वीडियो समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।